नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, भारतीय टीम, इंडिया ए की टीम, साउथ अफ्रीका ए की टीम को हरा चुकी है। और इस मैच में, जो कि 50 ओवर का मैच था, लेकिन गीले आउटफील्ड की वजह से 21 ओवर का हो गया था, भारत के एक और विकेट कीपर बल्लेबाज ने कमाल किया है। ईशान किशन की बात कर रहा हूँ मैं। 24 गेंदों में 55 रन की पारी खेली, 4 छक्के धुआंधार मारे उन्होंने, और टीम इंडिया के लिए T20 साइड में अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। इसी के साथ, 3 मैचों की ये सीरीज़ थी जिसमें पहला मुकाबला भारत ने 69 रनों से जीता था, ये दूसरा मुकाबला था और 21-21 ओवरों का मुकाबला था। थोड़ा मैं आपको स्कोर कार्ड भी बता देता हूँ। साउथ अफ्रीका ने 21 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 162 रनों का स्कोर खड़ा किया, लेकिन इसके बदले में जब जवाब में भारतीय टीम उतरी, इस मैच में शुभमन गिल उतना कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाए, लेकिन इस मैच में जो महफिल लूटी है वो है ईशान किशन ने। मनोज जोशी सर मेरे साथ हैं और आप बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि संजू सैमसन भी हैं, ईशान किशन भी हैं, ऋषभ पंत को आप इकलौता ऑप्शन ना माने। कैसे देखते हैं कि ऐसी इनिंग के बाद एक दावेदारी मजबूत वो पेश करते हैं T20 साइड के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। हेंड्रिक्स और नोर्टजे और जूनियर डाला, ये 3 ऐसे खिलाड़ी थे उनके सामने जो गेंदबाजी करने वाली जो टीम थी साउथ अफ्रीका ए की टीम, और वो तीनों खिलाड़ी जो हैं साउथ अफ्रीका से वनडे इंटरनेशनल खेल चुके हैं। बिल्कुल, या बाउमा जो उसके कैप्टन हैं, वो भी साउथ अफ्रीकन टीम में खेलते तो रहे। आप एक अच्छे अटैक के सामने अच्छा स्कोर करते हैं तो उसके मायने होते हैं, और आप रन बॉल से नहीं खेल रहे हैं आपका, क्योंकि ये मैच वनडे क्रिकेट का मैच था और इसको बारिश की वजह से कम कर दिया गया, ऑलमोस्ट 2020 का मैच हो गया था। 21 ओवर, उसमें अगर आप बाकी प्लेयर रन बॉल खेल रहे हैं तो वो मजा नहीं आता उसमें, फिर आपकी T20 की जो है ना नई पौध तैयार नहीं होती। बिल्कुल। अब ईशान किशन ने जिस तरीके से आपने बताया, कितनी गेंदें खेली हैं? 24 गेंदों में 55 रन। 24 गेंदों में 55, मैं तो कहूंगा एक तरह का दोनों टीमों के बीच का सबसे बड़ा अंतर ईशान किशन ही साबित हुए। अब उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अच्छी टीमों के खिलाफ भी वो अच्छा स्कोर करने की उनमें कुव्वत है। बिल्कुल। अभी तक जो कमजोरी थी, या ये कहिए कि जो बड़े बड़े उन्होंने स्कोर खड़े किए थे, उसमें अच्छी टीमों के खिलाफ एक अच्छा स्कोर करने की एक उनको दरकार थी, जरूरत थी, अब वो उन्होंने कर दिखाया है। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में ईशान किशन जो है, हम आंख बंद करके जो है पूरी तरह से भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन एक विकल्प तो है, एक मजबूत विकल्प होगा तो अच्छा कंपटीशन होगा, स्वस्थ कंपटीशन होगा तो आपकी टीम फलेगी फूलेगी। आप पूरी तरह से ऋषभ पंत पर यह कहकर भरोसा नहीं कर सकते कि हमारे पास, हमें T20 वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में उनको अजमाना है, ज्यादा से ज्यादा मौके देने, इसके कई बार परिणाम बहुत ही आत्मघाती भी साबित होते हैं। बिल्कुल, और हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि MS धोनी का हम रिप्लेसमेंट ढूंढना चाह रहे हैं जो उनके दास्तानों में समा पाए। अगर ईशान किशन की बात करें तो झारखंड की टीम से खेलते हैं, MS धोनी उस टीम से खेल चुके हैं और उसके मेंटोर रहे हैं, जब ये रणजी के फाइनल में भी पहुंची थी, हालांकि MS धोनी खेले नहीं थे, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में वो टीम के साथ रहे और उन्हें सिखाते रहे। तो एक तरीके से ट्रेड ऑफ ट्रिक्स जो है वो सीधा MSD से सीखें, तो ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में। अगर आपको टिप्स जो है अपने शुरुआती दिनों में एक अच्छे धोनी जैसे धुरंधर से अगर आपको सीखने को मिलते हैं, तो आपके परिणाम जो है ना, उसके रिजल्ट दिखने लगते हैं। जो आप रिजल्ट दिखने लगे एक अच्छे अटैक के सामने, अच्छी अपने बल्लेबाजी की, तो अब मैं कहूँगा कि कुल मिलाकर आप इसी तरीके इस चीज़ को कितना वो बरकरार रखते हैं। एवरेस्ट पर पहुँचना अब एक ज़माने में बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, अब एवरेस्ट पर बहुत लोग पहुँचने लगे हैं, लेकिन एवरेस्ट पर पहुँच कर बने रहना काफ़ी समय तक, वो ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी। अब ईशान किशन कितने कंसिस्टेंट होंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने संभावनाएं अपने अंदर जरूर उजागर कर दी हैं। और बाकी शुभमन गिल इस बार ज्यादा नहीं चले, लेकिन पिछले मैच में अच्छा 70 के करीब बनाया उन्होंने, 70 के करीब बनाया, और उससे पहले हम देख चुके हैं कि एक डबल सेंचुरी उन्होंने बनाई, जो कि यंगेस्ट लगातार अच्छा प्लेयर थे, और गौतम गंभीर का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था सबसे कम उम्र में डबल सेंचुरी बनाने का। और वहीं अनमोल प्रीत सिंह जो कि पंजाब के खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी रन बॉल वाला अंदाज नहीं खेला, उन्होंने देखिए आप अगर आप स्कोर देखें जी, तो उन्होंने भी करीब 19 गेंदों में 30 रन बनाए, क्या बात है। देखिए ये एक अच्छी दो छक्के दो चौके बल्लेबाजी की निशानी है, और प्रेशर कम किया उन्होंने, जो गेंदबाज हावी होने लगे थे जब तीसरा विकेट जल्दी गवा दिया था इंडिया ए ने, तो लग रहा था कि मैच कहीं भी जा सकता है, हो सकता है कि साउथ अफ्रीका कहीं बराबरी ना कर ले साउथ अफ्रीका ए की टीम, लेकिन उन्होंने उस प्रेशर को कम किया और बाकी का काम जो है ईशान किशन ने बखूबी कर दिखाया। बिल्कुल, तो ये एक बात ये भी साबित होती है कि बेंच स्ट्रेंथ जो है इस वक्त टीम इंडिया की बहुत मजबूत है, और जो फ्यूचर भी है उसको लेके बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत लोग इमोशनल हो रहे थे कि धोनी के बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, लेकिन हमने देखा सचिन के बाद क्या होगा, पूरे देश में एक तरीके से माहौल था। लेकिन अब
इस मैच से और इस पारी से ये तो सिद्ध होता है कि हमारे पास ऋषभ पंत भी हैं, लेकिन उतनी ही मजबूती से अब दावेदारी ईशान किशन भी दे रहे हैं। आ गई है, संजू सैमसन की भी है, बिल्कुल, जिन्होंने आईपीएल में बहुत ही धमाल किया, चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं, बिल्कुल, वो आईपीएल के जिन्होंने एक से ज्यादा सेंचुरी बनाई है आईपीएल में, तो ये अपने आप में अच्छा अच्छा साइन है कि अच्छे आपके साथ एक कई विकेट कीपर्स की पौध तैयार हो रही है, फास्ट बॉलर्स की आपके पास बहुत सारी पौध तैयार हो रही है, और बल्लेबाज आपके पास कई हैं और आपके पास विकल्प काफी हैं। और मैं तो कहूंगा स्वागत योग्य है सिलेक्शन कमेटी का फैसला कि साउथ अफ्रीका की टीम जब भारत आ रही है तो 3 T20 मैचों के लिए जो आपने टीम घोषित की उसमें ना आपने बुमराह को रखा, ना उसमें भुवनेश्वर को रखा, ना आपने शमी को रखा, तो आप दीपक चाहर और नवदीप सैनी इन पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं या खलील पर बहुत भरोसा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक आजमाइश है। T20 वर्ल्ड कप भी आना है, उससे पहले कौन कितनी जिम्मेदारी को अहम मौके पर ले पाता है, ओढ़ पाता है अपने ऊपर, तो वो बहुत दिलचस्प होगा। और मेरे ख्याल से हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं। बिल्कुल, बस ये ना हो कि जैसे वर्ल्ड कप में नंबर 4 के पोजीशन के लिए आजमाइशें वर्ल्ड कप तक ख़त्म नहीं हुई, इनफैक्ट सेमीफाइनल तक नहीं ख़त्म हुई। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपने दर्शकों से जान सकते हैं सर कि उनके लिए हिसाब से टीम इंडिया में T20 की हम बात कर रहे हैं, कौन सा विकेट कीपर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक या सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, ईशान किशन, ऋषभ पंत या संजू सैमसन। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका फेवरेट विकेट कीपर कौन है जिस पर आप सोचते हैं कि MS धोनी की बराबरी किसी दौर में वो करेगा, वो कमेंट में। या फिर अगर ये हमारे जो क्रिकेट प्रेमी जनता है वो अगर वो ये सोचती है कि महेंद्र सिंह धोनी ही एकमात्र विकल्प है, तो वो भी अपनी राय से अवगत जरूर कराएं। ये तो फिर मुझको लगता है इस विकल्प में बहुत लोग आएंगे क्योंकि धोनी से इमोशनली बहुत अटैच है। बहरहाल, आप देख रहे थे इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स, और खुशखबरी ये है कि टीम इंडिया की जो इंडिया ए टीम है उसने साउथ अफ्रीका ए के साथ 3 मैचों की जो सीरीज थी वो सीरीज भी जीत ली है, और ईशान किशन ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों में 55 रन बनाए हैं, जो कि आज के दिन का हासिल महफिल था। धन्यवाद।